370 और 35 ए हटा दिया गया। 370 पर उसकी वैधता को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने हटाया, चुनौती दी गई थी, और चार साल के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्जन दिया है और लाइव वर्जन जिसे पूरा देश देखा है, उससे स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया था बिल्कुल सही था। पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है और अब जम्मू कश्मीर देश की मुख्यधारा से जुड़ गया है, ये सभी कह रहे हैं, यहाँ तक कि विरोधी भी, और खास करके जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेताओं के बयान तो आ ही रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो कुछ भी जज ने कहा, हालांकि पूरे देश ने और आप कह सकते हैं कि दुनिया में भी जहां जम्मू कश्मीर के मैटर को देखना था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे वर्जन को जब वो प्रधान न्यायाधीश ये वर्जन दे रहे थे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे तो सबने देखा, और क्या मुख्य बातें कही थी आज हम इसका जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजा हरि सिंह ने जब जम्मू कश्मीर को मिलाया, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब मिलाने के लिए देश के भाग से मिल गया जम्मू कश्मीर, तो फिर जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, संप्रभु अगर नहीं है तो उसका अपना संविधान, अपना झंडा और अपना प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ये स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, अगर प्रधान न्यायाधीश ने ये वर्जन दिया है और पीठ जो सुनवाई कर रही थी सब जजों की राय एक है, तो उसमें पहली बात जो वर्जन देते समय, इस फैसले को पढ़ते समय जज ने कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, वो ये है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत का अभिन्न अंग है, और जम्मू कश्मीर मतलब उसमें पीओजेके भी आ जाता है, क्योंकि संसद से पीओजेके लेकर के 24 सीट भी निर्धारित है, उस पर बाकायदा वो हमारा अंग है ये भी कहा जा चुका है, तो ये अविभाजित भारत का अंग है पूरा जम्मू कश्मीर। और राजा हरि सिंह ने जब इस पर विलय किया तो कोई शर्त नहीं थी, मतलब उसके संप्रभुता को लेकर के एक स्पेशल स्टेटस जो दिया गया था उसके कोई मायने नहीं है। आज कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया। हम आपको साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट ने जो वर्जन दिया उसके मायने क्या हैं, इतिहास जो कहता है उस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसके मायने क्या हैं। तो जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का कोई दर्जा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देकर के आने वाले सितंबर तक, 2024 सितंबर तक, अर्थात 9 महीने के अंदर वहां चुनाव कर दिए जाएं, ताकि वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत विकास की जो धारा बहाई गई है उसको आगे बढ़ाया जाए। ये केंद्र को कहा भी है सुप्रीम कोर्ट ने, और स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी स्पेशल स्टेटस जैसी बात नहीं है, मतलब जिस जम्मू कश्मीर के झंडे के लिए, वहां पर प्रधानमंत्री जैसे पद के नियुक्ति के लिए या स्पेशल स्टेटस के लिए, ये सारी बातें जो प्रावधान में 370 जब हटाया गया तो सरकार ने जितनी बातें कही हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही मान लिया और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को याद दिलाया कि राजा हरि सिंह ने जो विलय किया था उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं थी। इसलिए अगर ये 370 जो अस्थाई था, मतलब हमेशा के लिए नहीं था, उसको सरकार की अपनी मानसिकता होनी चाहिए थी, मनः स्थिति होनी चाहिए थी, बहुत पहले हट जाना चाहिए था, लेकिन अगर मोदी सरकार ने उसे हटाया है तो पूरी तरीके से वैध है। इसका आधार कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जज ने, जस्टिस ने बता दिया। कुछ और प्रमुख बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर को संप्रभुता नहीं, राष्ट्रपति शासन पर विचार की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग हो जाने से राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता, और अपने अंतिम आदेश में जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने को संवैधानिक फैसला करार देते हुए चंद्रचूड़ ने कहा 370 को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। मतलब राष्ट्रपति अगर उसको फाइनल दस्तखत किए और 370 खत्म हो गया तो वो पूरी तरीके से संवैधानिक है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसीलिए सारे बड़े नेता, विशेष करके जम्मू कश्मीर के, चाहे वो जिस पार्टी के हों, वो दबे मन से ही सही, वो स्वीकार करने के लिए अब बाध्य हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाए और वहाँ पर चुनाव कराए जाएँ, ये भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि राज्य में युद्ध जैसे हालात की वजह से अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी
और संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बार बार जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस बात को दोहराया, वो हमने आपको बताया। इसके साथ ही निष्पक्ष शांति समिति गठन करने की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा, मैं कम से कम 1990 के दशक से मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच, रिपोर्ट और शांति बहाली के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक निष्पक्ष समिति की स्थापना की सिफारिश हूं। एक पूरी पीढ़ी अविश्वास के दौर में बड़ी हुई है और अनुच्छेद 370 का उद्देश्य धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के बराबर लाना था। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की अनुशंसा की आवश्यकता के बड़े इरादे को निरर्थक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये भी जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा है। तो कुल मिलाकर के जस्टिस चंद्रचूड़ और अन्य जजों ने अब स्पष्ट कर दिया कि 370 को लेकर के कोई भी पक्ष अब नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये अस्थाई था और एक अस्थाई प्रावधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली सरकार ने हटा दिया, पूरी तरीके से वैध है और वहाँ पर चुनाव कराए जाएं, पूर्ण राज्य का उसको दर्जा मिल जाए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में विकास की जो धारा बह रही है उसे बहाई जाए, बस इसी से ये भारत का मुकुट पूरी तरीके से अन्य राज्यों के समान हो जाएगा। हमारी आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।